जिला गौतम बुद्ध नगर के सभी सम्मानित नागरिकों, मैं आज लॉकडाउन के फेज टू के प्रारंभ पर आप सबसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको अवगत है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा करी और कल उसको बढ़ाने के बारे में 3 मई तक हम सब देशवासियों को बताया। ये हमारा फर्ज है कि ये कोविड-19 नामक भयंकर महामारी, जिसे कोरोना वायरस के तौर पर जाना जाता है, उससे लड़ाई लड़ने में प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उनको अपना सहयोग दें। साथियों, 21 दिन के अनुभव में आप सबको ये पता चल चुका है, इसके बारे में बहुत सारी अवेयरनेस आप में हो चुकी है कि ये कोरोना वायरस जब एक व्यक्ति दूसरी जगह जाता है उसके माध्यम से मुख्य तौर पर फैलता है। और इसीलिए कहा जाता है कि यदि हम जहां हैं वहीं रुक जाएं, अर्थात अपने घर पर बने रहें, तो इस कोरोना वायरस के खात्मे में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। मुझे ये समझाया कि कोई कारण नहीं है कि 14 दिन में हम इस कोरोना वायरस को पूरी तरह से समाप्त कर दें, किसी भी 14 दिन शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के शरीर में अधिकतम 14 दिन तक रह सकता है। शरीर के बाहर उसके बारे में कहा जाता है कि यदि वो कागज पर, किसी सरफेस पर, दरवाजे पे, लिफ्ट के बटन पर, ये 2-4 घंटे से लेकर 12 घंटे तक, कहीं कहीं कहा जाता है 1 दिन तक वो रह सकता है। तो अतः अधिकतम इसकी जिंदा रहने की अवधि 14 दिन है। अब यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मिलेगा उस 14 दिन में, तो हो सकता है उसको भी ये फैला दे, फिर उसके बाद एक 14 दिन का दूसरा साइकिल शुरू हो जाता है और इसी तरह इसकी जो है जान बढ़ती रहती है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि 14 दिन में इस वायरस को पूरी तरह समाप्त करने के लिए सबसे पहला जरूरी है स्टे होम, घर पर रहें। और यदि किसी कारण से बहुत जरूरी कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई बहुत जरूरी चीज खरीदनी है, आप उसमें बाहर निकलते हैं, तो उस दशा में कृपया करके हर समय सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये वायरस नहीं पहुंचेगा यदि वो हर समय 2 मीटर दूर खड़ा रहेगा। उसी प्रकार कुछ और आदतें जो हमें जिंदगी भर के लिए बदलनी होंगी, उनमें एक आदत है समय पर हाथ धोते रहना। कहा जाता है ये वायरस एक प्रोटीन है और साबुन के घोल से, सैनिटाइजर को यूज करने से ये उसी समय किल हो जाता है। इसके प्रोटीन जो इसके टेंटिकल्स हैं जो बाहर को, वो टूट जाते हैं, इसकी एक तरह से डेथ हो जाती है। इसलिए समय समय पर हाथ धोते रहें, 20 सेकंड से अधिक समय लगाएं हाथ धोने में अच्छी तरह उसको रगड़ के, तो उससे भी ये कोरोना वायरस का खात्मा हो जाता है। उसके बाद भी यदि किसी को किसी कारण से कोई सिम्टम आता है, अर्थात उसका जो है गला खराब है, उसको बुखार आता है, उसकी सांस फूलती है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से, अपने हेल्थ वर्कर से संपर्क करें, अपना चेकअप कराएं, क्योंकि इस बात की संभावना बहुत जरूरी है, संभावना को समाप्त करना बहुत जरूरी है कि हम उसको आगे किसी को ना फैलाएं। पहले 4 दिन जो व्यक्ति इस कोरोना से प्रभावित होता है, 4 दिन तक कहा जाता है उसे पता नहीं चलता कि उसको कोरोना वायरस है, और वो दूसरे व्यक्तियों को बहुत ज्यादा संक्रमित करता है। इसलिए सिम्टम आने पर तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, ये एक बहुत जरूरी बात है। इसको खत्म करने के लिए जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अथॉरिटीज ने सैनिटाइजेशन एक व्यापक मात्रा में प्रारंभ किया है, पुलिस विभाग के माध्यम से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगाई जा रही है, अथॉरिटीज ने नई नई हाई प्रेशर मशीनें खरीदी हैं, हमें बहुत सारी संस्थाओं ने हाई प्रेशर मशीनें, स्प्रेयर्स CSR के माध्यम से डोनेट किए हैं, उसके माध्यम से स्प्रे किया जा रहा है हर गली मोहल्ले में, हर पब्लिक प्लेस पर, यहां तक के प्राइवेट बड़ी बड़ी कॉलोनियों के जो सार्वजनिक स्पेस हैं, लिफ्ट हैं, उनमें स्प्रे किया जा रहा है। आप सब लोग भी इस लड़ाई में अपना योगदान दें, अपने घर को हर समय सैनिटाइज करें, बार बार खासतौर पर दरवाजे, लिफ्ट के बटन, बाथरूम की टोटी, फॉसेट्स इत्यादि को सैनिटाइज कर लें। इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, सिंपल ब्लीचिंग पाउडर को आप पानी में मिलाकर उसका स्प्रे कर सकते हैं और इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान आप दे सकते हैं। सैनिटाइजेशन भी इस लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण
फाइटर है जो इस कोविड को खत्म करने में हमारी हेल्प करता है। नागरिकों को निश्चित तौर पर एक जरूर चिंता होगी कि उनको जो है उनकी जो रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं हैं वो उनको उपलब्ध होती रहें, दूध फल और सब्जी और ग्रोसरी की आइटम्स, किराना की आइटम्स और दवाइयां। यद्यपि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, अथॉरिटी प्रशासन ने हर तरह की व्यवस्था बनाई है कि ये सारी सुविधाएं आपको घर बैठे मिल सके, परंतु मेरा ये भी आपसे अनुरोध होगा कि यदि किसी कारण में 2-4% केस में इसमें कोई देरी होती है तो कृपया करके उसको उसमें थोड़ा धैर्य बनाए रखें। जो व्यक्ति अपनी जान रिस्क पर डालकर एक हेल्थ पर, जो एक सप्लायर है, एक एजेंट है, अपना रिस्क लेकर आपको घर घर सप्लाई जाने जाता है, उसके बारे में भी सोचें, उसका उसको स्वागत करें, उसका तालियों से उसको उसका उत्साहवर्धन करें। और यदि किसी कारण से वो लेट आ जाता है 2-4 घंटे के लिए तो कृपया करके उसको गाली गलौज ना करें, क्योंकि वो एक रिस्क लेकर आपकी सेवा करने के लिए बाहर निकला हुआ है। अथॉरिटी प्रशासन द्वारा जो इस संबंध में व्यवस्थाएं बनाई है, नंबर एक, हमने ये सुनिश्चित किया है कि आपके घर पर इसकी होम डिलीवरी हो, जो डिलीवरी एजेंट है आपके घर पर इसकी सप्लाई करें। RWS का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यहाँ पर हाई राइज सोसाइटी बड़ी संख्या में है और हाई राइज सोसाइटी में वायरस फैलता भी अलग ढंग से है, थोड़ा रिस्क ज्यादा है, सावधानी अलग से बरतनी है, परंतु एसेंशियल कम्युनिटी में भी उनके द्वारा कुछ स्टेप लिए जाने की जरूरत है। उनका हमें बहुत बड़ा सहयोग चाहिए, जिनमें यदि एक हाई राइज सोसाइटी में 10 टावर है तो मैं चाहूंगा कि RWS के जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब हर टावर के लिए 1 या 2 वॉलंटियर को नियुक्त करें, उस टावर के 50 लोग बाहर सामान खरीदने आ जाए, उसकी बजाय बेहतर होगा कि वो टावर रिप्रेजेंटेटिव उसकी होम डिलीवरी आपके घर तक कर दे, क्योंकि वो सब घर को समझता है, गेट से या दवाई की दुकान से या ग्रोसरी की दुकान से वो लाकर आपको दे दे, तो 100 लोग बाहर आने की बजाय एक व्यक्ति यदि 100 ग्राम डिलीवरी कर दे तो आप COVID-19 के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपना देंगे। बहुत सारी RWS इसमें सहयोग कर रहे हैं, परंतु कई बार कुछ दुख भी होता है, कई RWS इसमें सामने नहीं आते और कई RWS कहते हैं सब हमें वॉलंटियर्स नहीं मिलते और घर बैठे बहुत सारे अपेक्षाएं करते हैं और शोर मचाते हैं। मैं मानता हूं कि आपका बिल्कुल अधिकार है, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, परंतु कुछ हमें अपनी आदतों में भी सुधार लाना होगा। हमें इस प्रकार से कम्युनिटी योगदान, एक दूसरे से कैसे सहयोग कर सकते हैं इस बीमारी को खत्म करने में या अन्य चीजों में, ये बाद में हमारे देश को आगे ले जाने में इस प्रकार की आदतें जो हम सुधारेंगे बहुत सहायता करेंगी। हमने होम डिलीवरी सुनिश्चित करी है। इस पूरे जिले को अब 2 भागों में बांटा गया है। इस समय हमारे जिले में 27 हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट वाले सेक्टर्स को या जो मल्टी स्टोरी की जो सोसाइटी है उसको हमने लगभग कर्फ्यू जैसी सिचुएशन, जिसे आप कहते हैं कि हमने उसको सील कर दिया, उस सिचुएशन में रखा है। वहां की शॉप्स को भी हमने कहा है कि बंद रखें, केवल जो शॉपकीपर है वो उसको एक स्टोर के तौर पे यूज करते हुए उसकी होम डिलीवरी करा सकता है। वहां के लोगों से हमारा विशेष अनुरोध है कि वो घर में बने रहें, किसी प्रकार से बाहर आने का प्रयास न करें और इस लड़ाई को, जैसा मैंने कहा, 14 दिन में इस वायरस का समूल खात्मा करने में हमारा योगदान दें, ये बहुत जरूरी है। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जिला एक इंडस्ट्रियल टाउन है, बड़ी संख्या में यहाँ इंडस्ट्रियल मजदूर, यहाँ पर दिहाड़ी मजदूर, यहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत चलता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। उनके सामने कई बार इस बात की संभावना कि उनकी धनराशि समाप्त हो चुकी है और रोजाना खाने पीने की भी उनके सामने ला रहे हैं। जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था हमने बनाई है कि उन सबको हम 2 समय का खाना जहां भी वो रुके हुए हैं वहां तक पहुंचाए, परंतु यदि ऐसे हर व्यक्ति का आप हर तरह से ध्यान रख सकते हो, उनमें अवेयरनेस जनरेशन कर सकें, उनको सिखा सकें कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, आपके घर में जो काम करने वाली मेड या कोई इंडस्ट्रियल वर्कर आपकी इंडस्ट्री में काम करने वाला वर्कर, उसको आप सिखा सकें, उसके 2 टाइम के खाने का आप ध्यान रख सकें, और उसको यदि आपने जो इस अवधि में भी उसको किसी प्रकार से आप उसको वेतन दें, ये चीजें यदि आप करते हैं तो जो पूरा देश इस लड़ाई को लड़ने में लगा हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इस लड़ाई में जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, उनकी जो इच्छा है उसकी हम पूर्ति कर सकेंगे। और ऐसे जो छोटे हमारे इस प्रकार के वर्कर हैं, जो गरीब हैं या जो मेहनत कश मजदूर हैं,
उनको इस प्रकार से जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हम उनका वेतन दे देते हैं तो उसको आर्थिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसको हम दो टाइम का भोजन खिला देते हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हल चल रही है। उसको अपने घर बात करनी है, उसके घर में कोई समस्या है तो हमने पूरी व्यवस्था बनाई है कि उसके घर का जो जिलाधिकारी है उस जिले का, वहां से संपर्क करके हम उसकी हर प्रकार की समस्या का निस्तारण करते हैं। एक मिनट में आपका और लेना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के नागरिक कई प्रदेशों में फंसे हुए हैं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश के उन नागरिकों को सहायता पहुंचाने के लिए मैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली राज्य का भी प्रभारी हूं, उनके लिए हमने 24 घंटे की हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए हैं, वो अपनी कोई भी समस्या हम उनको बताते हैं तो उन राज्य के अधिकारियों से संपर्क करके हम उनकी उस समस्या का निस्तारण करते हैं। उस राज्य के जो नागरिक हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं भी रुके हुए हैं उनकी समस्या का भी निराकरण कर रहे हैं। मैं इसमें भी आपका सहयोग चाहूंगा, किसी अन्य राज्य का, किसी अन्य प्रांत का कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ इस लॉकडाउन में जो फंसा हुआ है तो उसकी भी हम हर संभव सहायता प्रदान करें, उसके भोजन का ध्यान रखें, उसके परिवार का ध्यान रखें, उसको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो उसको हम उपलब्ध कराएंगे। साथियों, आखिर में मैं यही आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस लड़ाई को लड़ने में, इस कोविड 19 नामक जो वायरस है उसका समूल तौर पर खात्मा करने के लिए जरूरी है कि आप घर पर बने रहें, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथ धोने जैसी अच्छी आदतों को आप अडॉप्ट करें। मुझे पूरा विश्वास है कि गौतम बुद्ध नगर जनपद इस लड़ाई में सबसे अग्रणी भूमिका निभाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।